हे गाइस, वेलकम टू कॉमर्स की पाठशाला। आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं और मैं आपका स्वागत करता हूं कॉमर्स की पाठशाला में। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है जस्ट इन टाइम इन्वेंटरी मैनेजमेंट, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम BCOE 143। और ये टॉपिक इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। सो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी नॉलेज मिल पाए। उसके पहले मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोज की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिलती रहे। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमसे डायरेक्टली परचेस कर सकते हैं नोट्स को। ये जून टर्म एंड एग्जामिनेशन 2023 के नोट्स हैं। दिसंबर आने वाले समय में जितने भी सारे एग्जाम्स होंगे सभी के नोट्स हमारे पास धीरे धीरे करके अपडेट्स के साथ अवेलेबल हो जाते हैं। अगर आपको चाहिए तो आप हमसे बाय कर सकते हैं ₹100। और अगर आप चार या उससे ज्यादा पेपर्स लेते हैं तो फिर आपको सिर्फ और सिर्फ ₹75 पर पेपर ही इसकी कॉस्ट पड़ेगी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। सो जैसा कि नाम है जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री, है ना, कि जब आपको इन्वेंट्री की जरूरत है तभी आप इन्वेंट्री मंगा रहे हो, अदरवाइज नहीं मंगा रहे हो। इन्वेंट्री मैनेजमेंट का मतलब होता है स्टॉक मैनेजमेंट। जो आपके पास स्टॉक है उसको आप किस तरीके से मैनेज कर रहे हो। सपोज आपको 100 चीजों की जरूरत है, 100 प्रोडक्ट की जरूरत है, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आप 1000 मंगवा लोगे। या सपोज 100 आपको अगले महीने की जरूरत है तो इसी महीने मैंने 100-150 मंगवा लिए, एक महीना तो मेरा रखा रह गया, तो ये तो बेकार हो गया ना। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। जस्ट इन टाइम का मतलब होता है कि आपका जो है तुरंत जब आपको जरूरत हो उसी टाइम पे आप जो है मंगवा लो, लेकिन उसके लिए एक प्रॉपर मैनेजमेंट सिस्टम की आवश्यकता पड़ती है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। इसके एडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे और इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री मैनेजमेंट का आई होप की मीनिंग मैंने आपको समझा दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ जस्ट इन टाइम इज अ मैनेजमेंट स्ट्रेटजी दैट अलाइंस रॉ मटेरियल ऑर्डर्स फ्रॉम सप्लायर्स डायरेक्टली विद प्रोडक्शन शेड्यूल्स। देखो क्या लिखा है, production schedules in order to be able to meet consumer demands with the minimum delays, है ना। ये एक तरह का management strategy होता है जहाँ पे आप raw material order जो है जो आप लेते हो supplier से, जो supplier आपको सामान भेजता है वो आपसे actually directly एक तरीके से इस तरीके से aligned होता है कि जैसे ही production हो आप सामान यहाँ पे भेज दो, जैसे ही demand हो आप सामान यहाँ पे भेज दो, ताकि जो consumer की need है, जो consumer का demand है आप उसको पूरा कर सको और उसमें जो है minimum delays हो। अगर डिले होता भी है तो मिनिमम 1-2 दिन का डिले हो, बहुत ज्यादा डिले जो इसमें ना हो, है ना। और सारे ऑर्डर्स में तो डिले भी नहीं होना चाहिए। ओके, इट वाज फर्स्ट डेवलप एंड अप्लाइड इन द टोयोटा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। देखो इसको सबसे पहले डेवलप और अप्लाई किया गया था टोयोटा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में। इन दिस मेथड लेबर मटेरियल एंड गुड्स टू बी यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग आर रीफिल्ड और शेड्यूल्ड टू अराइव एग्जैक्टली व्हेन नीडेड इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो मेथड है, यहाँ पे जितने भी सारी चीजें यूज हो रही हैं, चाहे वो लेबर हो, मटेरियल हो, गुड्स हो, वो सारी की सारी चीजें जस्ट इन टाइम अराइव हो जाती हैं। जब जरूरत पड़ता है तभी वो चीजें जो है मिल जाती हैं। आर रीफिल्ड और शेड्यूल्ड टू अराइव एग्जैक्टली व्हेन नीडेड इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जब भी उसकी आवश्यकता पड़ती है वो चली आती है। चली नहीं आती, खुद से कैसे आएगी, जो डिमांड है वो पूरा हो जाता है ना। Thus, this inventory strategy allows companies to increase efficiency. और इसके कारण से क्या होता है ना कि जो inventory, ये जो inventory strategy है, इसके कारण से जो company की efficiency है, वो काफी बढ़ती है और company अच्छे तरीके से consumer की demands को fulfill कर पाती है। And increasing inventory turnover, है ना, by reducing inventory cost जो है घट जाता है और inventory turnover बढ़ जाता है। And decrease wastage by receiving goods only when they need them, है ना। और जो वेस्टेज है वो भी घटता है। क्यों घटता है, क्योंकि जब आपको आवश्यकता है तभी मंगवा रहे हो, उसको रखने का कोई झमेला नहीं है, पहले से कुछ उसको मैनेज करने का कोई झमेला नहीं है, है ना। तो यहाँ पे जो वेस्टेज कॉस्ट है वो भी काफी हद तक कम जाता है। सो दैट्स जस्ट इन टाइम। अब बात कर लेते हैं इसके एडवांटेजेस के बारे में। सबसे पहला है इट रिजल्ट्स इन द एलिमिनेशन ऑफ ओवर प्रोडक्शन। ओवर प्रोडक्शन का जो प्रॉब्लम होता है उसको ये एलिमिनेट करता है। जस्ट इन इन्वेंट्री जो है ओवर प्रोडक्शन के एलिमेंट्स को एक तरीके से एलिमिनेट करता है। जैसे मान लो कि आपको 100 गाड़ियों की आवश्यकता है तो लैंड लेबर वगैरह जो है अगर वो सही टाइम पे आपको मिल जाएगा तो आप सही टाइम पे बना करके उसको ऑर्डर को प्रोसेस कर दोगे, राइट। अब लेकिन अगर आपको सही टाइम पे नहीं मिला तो एक तो आपको समय ज्यादा लगेगा, है ना, और दूसरा जो ये अंडर प्रोडक्शन ओवर प्रोडक्शन वाली बात है वो नहीं होगी। जैसे कि सपोज आपको 100 गाड़ियों की आवश्यकता है, आपने सारे 100 लोगों के हिसाब से जो है मटेरियल लेबर वगैरह मंगाया गाड़ियों के हिसाब से और आपने बना करके उसको शिप कर दिया, तो यहाँ पे ओवर प्रोडक्शन हो ही नहीं सकता क्योंकि आप डिमांड के अकॉर्डिंग ही बना रहे हो। आप देख रहे हो कि किस तरीके का डिमांड है, उसके अकॉर्डिंग आप सारी चीजों को अलाइन कर दे रहे हो, उसके हिसाब से चीजें जो है हो रही हैं। दूसरा पॉइंट है इट हेल्प्स इन कीपिंग द स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट टू अ मिनिमम लेवल, है ना। जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री जो है वो आपको मिनिमम लेवल में एक तरीके से जो होल्डिंग कॉस्ट होता है उसको आप रखने में वो मदद करती है।
तीसरा पॉइंट है लेस वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड। अब जब गाड़ियां ज्यादा बनेंगी ही नहीं, जितनी जरूरत है उतनी ही बनेंगी, तो वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो जस्ट इन टाइम इन्वेंटरी मैनेजमेंट में वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता बहुत ही कम पड़ती है। पांचवा नंबर पॉइंट है इट रिजल्ट्स इन डेड लेस डेड स्टॉक बिकॉज देयर इज अ लेस रिस्क ऑफ अनवांटेड स्टॉक लेफ्ट एज द इन्वेंटरीज आर मेंटेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमर डिमांड। जैसा कि मैं बता रहा था, क्योंकि यहाँ पे देखो कस्टमर डिमांड के हिसाब से आप इन्वेंट्री को मैनेज कर रहे हो, मेंटेन कर रहे हो, तो उसकी वजह से जो रिस्क है कि जो आपका स्टॉक है वो डेड हो जाएगा, जो सामान है वो खराब हो जाएगा। देखो हर एक चीज का एक लाइफ होता है, अब वो अगर उसको सही तरीके से इस्तेमाल में ना लाया जाए तो वो खराब हो जाता है। तो वही बात यहाँ से बोली जा रही है कि अगर आप इस्तेमाल में नहीं लाओगे तो वो खराब हो जाएगा। तो ऐसा जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री मैनेजमेंट में नहीं हो पाता, ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कस्टमर डिमांड के हिसाब से जो इन्वेंट्री को मैनेज या फिर मेंटेन किया जाता है। पांचवा नंबर पॉइंट है इट एम्फेसिसेस द राइट फर्स्ट टाइम कॉन्सेप्ट, है ना। इसका जो एम्फेसिस है वो राइट फर्स्ट टाइम कॉन्सेप्ट के ऊपर होता है, मतलब जिस टाइम पे जरूरत है उसी टाइम पे वो आ जाए, सो दैट नेटवर्क कॉस्ट एंड द कॉस्ट ऑफ इंस्पेक्शन इज मिनिमाइज्ड, जिसके कारण से जो रीवर्क कॉस्ट है ना, और जो कॉस्ट ऑफ इंस्पेक्शन है उसको भी एक तरीके से मिनिमाइज किया जा सके और किया जाता है। ठीक है, तो दीज वर द एडवांटेजेस। नाउ वी विल टॉक अबाउट द डिसएडवांटेजेस। पांच एडवांटेजेस थे, पांच डिसएडवांटेजेस थे, बाकी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पहला है दिस अप्रोच स्टेट्स जीरो टॉलरेंस फॉर मिस्टेक्स, है ना। ये जो अप्रोच है इसमें टॉलरेंस जो है वो बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। अगर आप एकदम कोई गलती करोगे तो तुरंत आपको फायर कर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट मतलब इन्वेंट्री मैनेज करने की बात हो रही है, यहाँ पे डायरेक्ट जस्ट इन टाइम की बात हो रही है। अगर टाइम पे चीजें मिलेंगी नहीं तो आपका जो प्रोडक्शन है वो रुक जाएगा, एफिशिएंसी आपकी घट जाएगी। तो यहाँ पे जो अप्रोच होता है वो जीरो टॉलरेंस वाला होता है, मतलब कोई गलती सहा नहीं जाता। एज द इन्वेंट्री इज केप्ट एट मिनिमम लेवल, इन्वेंट्री यहाँ पे जो है एकदम मिनिमम लेवल पे रखा जाता है। रीवर्क इन केस ऑफ एनी प्रोडक्शन एरर इज डिफिकल्ट, है ना। तो यहाँ पे जो है अगर रीवर्क करना पड़े प्रोडक्शन में किसी तरह का तो वो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए यहाँ पे टॉलरेंस पॉलिसी जो है बहुत ही जीरो है, यहाँ पे आप गलती की गुंजाइश ही नहीं कर सकते। ठीक है, ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा है सक्सेसफुल एप्लीकेशन ऑफ जीआईटी रिक्वायर्स हाई रिलायंस ऑन सप्लायर्स। अगर आपको सक्सेसफुली जीआईटी जस्ट इन टाइम को अगर आपको यू नो अचीव करना है तो उस केस में जो सप्लायर है आपका, जो आपको सप्लाई करेगा सामान या लेबर मटेरियल लेबर या जो भी चीजें हैं, वो उसका सही तरीके से होना बहुत जरूरी है। वो सही टाइम पे आपको जो है सप्लाई करना बहुत जरूरी है। हुज परफॉर्मेंसेस आर आउट ऑफ कंट्रोल ऑफ द मैन्युफैक्चरर, जिसके आप अगर ये ठीक तरीके से मैनेज नहीं करेगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। और मैन्युफैक्चरर के कंट्रोल में ये सारी चीजें नहीं होती हैं। सप्लायर आपको सामान भेजेगा तब तो आप सामान बनाओगे ना, सप्लायर ने अगर सामान भेजा ही नहीं तो कैसे बनाओगे, राइट। इसीलिए कई लोग पहले से सामान मंगवा करके रखते हैं कि भाई हम लोगों ने सामान बनाने हैं, समझ रहे हो आप। तो ये चीजें भी देखने को मिलती हैं कि सप्लायर के ऊपर बहुत ज्यादा रिलायंस होता है, बहुत ज्यादा जो है एक तरीके से भरोसा करना पड़ता है। तीसरा पॉइंट है देयर आर चांसेस ऑफ ऑकरेंस ऑफ प्रोडक्शन लाइन आइडलिंग एंड डाउन टाइम ड्यू टू नो बफर्स इन जेआईटी एंड दैट कैन हैव अनफेवरेबल इफेक्ट ऑन द प्रोडक्शन प्रोसेस एंड फाइनेंस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्या है जस्ट इन टाइम, जब आपको जरूरत पड़ा तब आ गया। अब मान लो कि आपने बहुत दिनों से आपको जरूरत नहीं पड़ा है और आपने स्टॉक मंगवाया ही नहीं है और बीच बीच में आपको एक दो ऑर्डर करके मिल रहे हैं और अचानक से एक बल्क में ऑर्डर आ गया, तो फिर आप क्या करोगे, आपके पास तो स्टॉक है ही नहीं। तो यहाँ पे ये एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे जस्ट इन टाइम वाला इन्वेंट्री मैनेजमेंट है। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपके पास सामान जो है, आपके पास जो चीजें होनी चाहिए वो नहीं होती है। यही बात यहाँ पे बोली जा रही है कि यहाँ पे हो सकता है कि प्रोडक्शन जो है वो आइडल हो जाए, मतलब प्रोडक्शन हो ही ना, प्रोडक्शन रुक जाए, जस्ट बिकॉज की यहाँ पे जो चीजें जो आपका जस्ट इन टाइम है उसकी वजह से जो डाउन टाइम है वो भी एक तरीके से घट जाए, क्योंकि जो आप बफर्स मेंटेन कर रहे हो, जो आप स्टॉक मेंटेन कर रहे हो वो आप जस्ट इन टाइम के हिसाब से मेंटेन कर रहे हो, जब जरूरत पड़ रही है तो ही मंगवा रहे हो। तो सामान जो है जो जो प्रोडक्शन का जो मशीन है वो तो आइडल पड़ा हुआ है, जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो आइडल पड़ा हुआ है। हालांकि ऐसा हमेशा नहीं होता बट ऐसा देखने को मिलता है और इसके कारण से अनफेवरेबल इफेक्ट, ऐसे इफेक्ट जो आप नहीं चाहते हो वो आपको देखने को मिलते हैं आपके प्रोडक्शन प्रोसेस के ऊपर भी और फाइनेंसेस के ऊपर भी। चौथा पॉइंट है इन केस ऑफ अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज इन डिमांड। अब अचानक से अगर आपकी डिमांड में अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज हो जाए, आपको पता नहीं था कि 100 से 1000 गाड़ियों का डिमांड हो जाएगा बट अचानक से अगर हो जाए, तो कंपनीज फॉलोइंग जीआईटी, ऐसी कंपनी जो कि जीआईटी फॉलो कर रही है, वुड नॉट बी एबल टू फुलफिल द न्यू ऑर्डर्स। वो लोग जो है नए ऑर्डर्स को फुलफिल कर ही नहीं पाएगी, जब कर पाएगी भी तो उसमें काफी टाइम जो है लग जाएगा, एज देयर वुड बी नो एक्सेस इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे जो इन्वेंट्री है वो बहुत ज्यादा एक्सेस में नहीं होगा फिनिश्ड गुड्स का और आप प्रॉब्लम में फंस जाओगे। पांचवा पॉइंट है ट्रांजेक्शन कॉस्ट वुड बी जनरली हाई डिपेंडिंग अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजेक्शन, है ना। जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट है वो भी काफी हाई होता है जस्ट इन टाइम वाले चीजों में, क्योंकि यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है ट्रांजेक्शन का वो भी काफी ज्यादा होता है, क्योंकि जस्ट इन टाइम है, जब जरूरत पड़ रहा है मंगवा रहे हो, जरूरत पड़ रहा है मंगवा रहे हो,
तो बार बार आपको ट्रांजेक्शन करना पड़ रहा है, तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन कॉस्ट तो भाई ज्यादा होगा ही। ठीक है, सो दैट्स इट। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा, जहाँ पे मैंने जीआईटी और जीआईटी के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में मैंने आपको बताया है। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करें, और हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम ग्रुप को। आपको वहाँ पे इन सारे लेक्चर्स की पीडीएफ जो है वो आपको मिल जाएंगी, जिसके जरिए आप बहुत आसान तरीके से इन सबको वॉच भी कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। सारी की सारी फैसिलिटीज जो है वहाँ पे अवेलेबल है। सो थैंक यू सो मच, लेट्स मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।